वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, केवल आपने ये वर्ड देखना है। तो इस तरीके से जिसको इस न्यूमेरिकल में यहाँ तक की स्टेटमेंट में केवल इस वर्ड पर ध्यान गया ना, सोच लो उसका उसकी सारी चीज़ क्लियर है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए तभी बताया था आपको कि तभी दिमाग में केवल दो बातें आ जानी चाहिए, कौन कौन सी, या तो एक पॉइंट हो लाइन पर और दूसरा किसी तरीके से स्लोप मिल जाए, या फिर इस चैप्टर में उस स्लोप का नाम ये था कि कोई उसके पैरेलल हो। वो हो सकता है कोई लाइन हो सकती है, कोई वैक्टर हो सकती है। इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है कि डायरेक्शन रेशो मिल जाए, बात खत्म, केवल इतना सोचना है। और दूसरी चॉइस है कि लाइन के दो पॉइंट हो, लाइन पर दो पॉइंट हो, बात खत्म। तो इस तरीके अब चेक कर लो आपके पास कौन सी कंडीशन है, उसके हिसाब से न्यूमेरिकल सोल्व कर लेना, केवल इतना सोचना था, सही है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो अब ये तो टाइप है वेक्टर और कार्टेशियन, सही है। अब देखो कंडीशन क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है जो परपेंडिकुलर है दो लाइनों के, एक कोई लाइन है परपेंडिकुलर है दो लाइनों के, और उन लाइनों की इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले तो ये देखो कि जो लाइनों की इक्वेशन है क्या वो सही है। सही का मतलब है एक्स वाई जेड के कोफिशियंट प्लस वन होने चाहिए, प्लस वन है, प्लस वन है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। केवल ये चीज़ सबसे पहले चेक कर लेना, बात खत्म। तो इस तरीके सही गिवन है, तो लिख लो इसी चीज़ को। तो गिवन क्या क्या हमारे पास, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो आप जो जो रिजल्ट है, जो जो डाटा है, तो इसको इस तरीके से, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो वैल्यू है, सही है, और साथ के साथ कोई दूसरी है, लिख लो अब इसको भी आप, तो इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर अब आप इसको एक को वन मान लो, एक को सेकंड मान लो, तो इस तरीके से। अब इसके बाद, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। अब देखो जो रिक्वायर्ड लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी ना, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट, इस बात का मतलब समझ में आ गया, एक पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, और ये कंडीशन किसके काम आएगी, केवल और केवल डायरेक्शन रेशो रिक्वायर्ड लाइन के निकालने के लिए, केवल इतना सोचना, आगे बच्चों वाली कैलकुलेशन बचती है। तो इस तरीके से, और उसके बाद साथ के साथ ये भी है कि आल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस, मतलब जो फर्स्ट और सेकंड है ना, उनके बीच का एंगल निकाल लो। और इस चीज़ का सिंपली एक मतलब बताया था कि जब भी एंगल निकालना हो तभी कह दो हमें एंगल से मतलब नहीं है, एंगल तो निकलेगा लेकिन लाइनों से नहीं, उनके डायरेक्शन रेशो से, बात खत्म। दो लाइन है तो लाइन जैसे कार्टेशियन इक्वेशन है सिंपली, ठीक है ना, और इनके डायरेक्शन रेशो डिवाइड वाले, जो जो वैल्यू डिवाइड में लिखी हुई है, तो इस तरीके से, सही है, केवल इतना सोचना आपने, ठीक है ना। तो चलो इसको पहले फर्स्ट और सेकेंड लिखी, तो चलो सबसे पहले एंगल ही लिख लो इनके बीच का, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब लास्ट में लिखोगे तो फिर दोबारा से ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इस वजह से। तो एंगल बिटवीन वन एंड टू कह दो आप, या फिर लिख सकते हो कि गिवन लाइंस। तो डायरेक्टली एंगल निकालने का क्या फॉर्मूला बता था कि कोस थीटा आएगा लेफ्ट हैंड साइड, सही है, इस तरीके से। और राइट हैंड साइड में हमें डायरेक्शन रेशो से मतलब, तो क्या बताया था आसान तरीका डायरेक्शन रेशो के लिए, अपने अपनों पर मल्टीप्लाई करते चले जाना, मतलब ये एक्स पर डायरेक्शन रेशो है, डिटेल में ये बात थी, ये भी एक्स पर, तो आपस में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सही है, वन इंटू टू। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहता कोई लिख सकता है ये वाला कि ए वन ए टू, फिर बी वन बी टू, सी वन सी टू, सभी को सम, और नीचे ये चीज़, मतलब इस तरीके से, सही है, आपके ऊपर है, मतलब फॉर्मूला लिखना चाहता कोई लिख सकता है। मतलब यहाँ पर ए वन बी वन सी वन पहली के डायरेक्शन रेशो है, ए टू बी टू सी टू दूसरी के, इस तरीके से, सही है, वैल्यू निकलेगी केवल। तो कोस थीटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ये चीज़ भी लिखना चाहते तो अच्छी बात है। फिर यहाँ पर इनके आपस में मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्शन रेशो को सबसे पहले चेक क्या करना था, केवल ये चीज़ कि क्या उनके कोफिशियंट प्लस वन है, तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लो, फिर डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप, पहले नहीं यूज कर देना कभी कभी, मतलब गलत लिखी हो तो। तो इस तरीके से, सही है। फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई, तो टू ये वाई के हैं तो टू इंटू थ्री सिक्स हो जाएगा, फिर टू इंटू वन तो टू हो जाएगा, सभी का सम करना आपने, और डिवाइड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ, सही है, पहली के डायरेक्शन रेशो का होल स्क्वेयर करते चले जाओ। डायरेक्शन रेशो की सिंपल एक काम की डेफिनेशन बताई थी कि एक डिस्टेंस है, सही है, डिस्टेंस निकलता दो पॉइंटों में, तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए अप्लाई होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बता चुके हैं आपको। तो इस तरीके से, तो कुछ नहीं, का होल स्क्वेयर मतलब अपने अपनों का होल स्क्वेयर करते चले जाओ, वन का होल स्क्वेयर,
टू का होल स्क्वायर, फिर टू का होल स्क्वायर, फिर सभी का ऐड कर देना। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी के तो टू का होल स्क्वायर, थ्री का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर वन का होल स्क्वायर, सभी को ऐड कर देना आप इस तरीके से। सही है, तो देख लो अब कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ठीक है ना, ऊपर टेन, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ नाइन बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री के बराबर हो जाएगा। तो मतलब जैसे टेन बाई थ्री और ये स्क्वायर रूट फोर्टीन का काम कर देगा। स्क्वायर रूट फोर्टीन को लिख सकते हो टू इंटू सेवन, उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिख देना कि थीटा कितना हो जाएगा, ये थोड़ी टेबल वैल्यू है, तो लिख दो आप यहीं पर थीटा उस साइड जाएगा तो कोस इनवर्स का काम करेगा। ये एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता कि उस साइड चला जाता है, ये एक्चुअल में दोनों साइड कोस इनवर्स से यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई होती है, वो काम की बात है अगर पता हो तो। तो इस तरीके से सही है, तो लिख दो बस यहाँ पर जो भी वैल्यू आई आपकी वो लिख देना। तो टेन बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टीन इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन हाँ सॉरी फॉर दैट, ठीक है ना, यहाँ पर केवल स्टेटमेंट वो आप वैल्यू सही लिख लेना। तो जैसे यहाँ पर फोर था और मतलब वे उसके हिसाब से है, ठीक है ना, यहाँ पर जैसे फोर है तो मतलब डिफरेंस क्या आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर ठीक है फोर इंटू फोर सिक्सटीन हो जाएगा जैसे यहाँ पर, और नीचे इस फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और फिर चेंज यहाँ पर आएगा फोर का होल स्क्वायर सिक्सटीन इस तरीके से, सही है। तो सिंपली कैलकुलेशन है, ठीक है ना, ये मतलब ये बस चेक कर लेना आप, सही मतलब ये वैल्यू सही लिख लेना, सही है। तो बस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो 24 हो जाएगा ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 21, तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे 29 हो जाएगा वैल्यू है, सही है। ये मतलब प्राइम नंबर है, कोई फ़ायदा नहीं, 21 को लिखोगे 3 इंटू सेवन वो भी प्राइम नंबर है, कोई फ़ायदा नहीं उनका भी, तो डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देना 21 इंटू नाइन, सही, या फिर एज इट इज भी रख सकते हो। तो इस तरीके से सही है, लेकिन यहाँ पर भी एक काम की बात थी, अगर चेक कियो तो क्या, जब हमने 3 लिखा था, एक छोटी सी बात तो पता ना, जब भी इवन पावर उठती है प्लस माइनस का साइन आता है, लेकिन जब केवल 3 लिखा तो माइनस क्यों नहीं लिखा, कहाँ पर गई, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, हर बात हमेशा साथ में चलती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये तो चलो मतलब सोल्व नहीं हो सकता, लेकिन जब स्क्वायर रूट नाइन की तो वैल्यू पता हमें, जैसे डायरेक्ट ही मतलब थ्री, लेकिन प्लस का थ्री भी होता है, माइनस का थ्री भी, लेकिन माइनस साइन कहाँ पर गया, उस डिस्टेंस वाली बात में। अगर आपको डायरेक्शन रेशो की वो परफेक्ट डेफिनेशन पता है तो, कि डायरेक्शन रेशो एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस निकलता है दो पॉइंटों में, तो यहाँ पर वो दूसरा पॉइंट अपने आप ओरिजिन भी है, इस तरीके का अगर किसी को पता हो तो। हाँ वो आपको आपके ऊपर है कि मतलब आपने माइनस जीरो क्यों किया, जीरो में से ये वैल्यू क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट की, बात एक है सिंपली। तो इस तरीके से सही है, तो ये वैल्यू निकल आएगी, इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप बाद में करना चाहो तो, दोनों की मतलब पावर सेम है, इसलिए 21 इंटू 29 लिखना चाहो लिख सकते हो, या फिर एज इट इज रख सकते हो, सही है। एक न्यूमेरिकल हो चुका है सोल, एक पार्ट और एक था ये वाला टारगेट, तो कर लो अब कैलकुलेट इसको, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ही बताया था न्यूमेरिकल में एक पॉइंट दिया हुआ है और ये डायरेक्शन रेशो काम आ जाएंगे। तो सिंपली अब केवल इतना सोचना आपने क्या, कुछ इस तरीके जैसे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, सही है। केवल ये सोचो कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है, यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन एक बार तो इसके परपेंडिकुलर, दोनों ही परपेंडिकुलर है रिक्वायर्ड लाइन, इसके भी सही है। और जब दो चीज़ें परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर वाली वो एक काम की बात नहीं बताई थी क्या, कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई जीरो पुट अप कर देना। लो अगर इस तरीके से सोच सकते तो बेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोस 90 बनता है एंगल और कोस 90 जीरो होता है, सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, लेकिन ये ट्रिक थी। तो इस तरीके से सही है, अब आगे कैलकुलेट करें तो जैसे, तो अब जैसे लिखना चाहो लिख लो आप इस बात को, जैसे कि मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना, रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना, विच पासिस थ्रू, ये तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, विच पासिस थ्रू जैसे जो भी पॉइंट था, ठीक है ना, जो भी वैल्यू है 1 1 थी इस तरीके से, सही है। एंड हैविंग लेट कर लिया हमने ये बात, ठीक है ना, कि उसके डायरेक्शन रेशो मान लिए ए बी सी, तीन क्यों माने, क्योंकि पॉइंट 3D का है, हर चीज डिटेल में बताई थी आपको सिंपली इस तरीके से, सही है। अब आपके पास गिवन है क्या, कि जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर एक बार तो फर्स्ट की जो इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी, और एक बार जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी वो परपेंडिकुलर है सेकंड के, तो परपेंडिकुलर वाली वही बात की डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई जीरो, सही है। तो जैसे फर्स्ट के डायरेक्शन रेशो डिवाइड में ये वैल्यू लिखी हुई थी, सही है, तो इनका यूज कर लो, तो वही काम की बात, कौन सी, वही आपस में सबसे पहले एक्स वाले डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई करते चले जाओ आपस में, एन टू वन,
सही है, फिर बी इंटू टू और फिर फोर इंटू सी इस तरीके से, और फिर सभी का सम जीरो होगा। यहाँ पर भी वो डिवाइड में दो मैग्नीट्यूड आती है, लेकिन वो जीरो इंटू समथिंग का काम कर देती है, और जीरो इंटू जीरो मतलब जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है इस वजह से। सही, हर बात डिटेल में बता चुके हैं, तो इस तरीके से बस। इसके बाद इसी तरीके से एक बार जो दूसरी के थे जो जो वैल्यू थी, जैसे कि जैसे दूसरी के डिवाइड में 2, 3, 4 था, तो वही आपस में अपने अपने ऊपर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, तो 2 into A, फिर 3 into B, 4 into C, और फिर सभी का सम जीरो के बराबर। लोग इस तरीके से दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ठीक है ना। इनको आप 3 और 4 मानना चाहो, या फिर डायरेक्टली मतलब ठीक है ना, कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर कहो 23, 12, तो लिख लो इस बात को। सही है, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपके ऊपर ये चीज। सही है, ये काम का मेथड होता है, क्यों, क्योंकि ये तभी सोल्व हो सकते हैं, अदरवाइज ये कंसेप्ट चलता है कि ठीक है ना, जैसे हमारे पास वेरिएबल कितने, 3, ये वेरिएबल ही तो हैं जो हमने लेट किया, हमें थोड़ी ना पता है इनकी क्या वैल्यू है, तो 3 वेरिएबल हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशन होनी चाहिए, उतनी ही, केवल 2 हैं तो काम बनेगा नहीं, लेकिन ये काम का मेथड है, या फिर इसको सिंपली आप 23, 12 कहो ट्रिक के लिए। सही, केवल कैलकुलेशन करनी होती है आपने। सही है, तो आपके ऊपर है, मतलब लिखना चाहो तो लिख सकते हो 23, 12 इस तरीके से। सही है, और इसका मतलब 2 का मतलब जो सेकंड वेरिएबल है दोनों में उनके कोफिशियंट लिख दो, तो जैसे कोफिशियंट का मतलब मल्टीप्लाई में, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सेकंड तो बी है ना, तो 3 है। शुरू में आपके पास चॉइस होते जो भी पैटर्न लेके चलो, मतलब ए बी सी का दोनों में सेम तो लेके चलोगे, लेकिन आपके ऊपर चॉइस है, किसी को ये ABC अच्छा ना लगता हो चेंज कर सकता है यहाँ पर कोई, ठीक है ना, लेकिन हम नॉर्मली ABC के हिसाब से सोल्व करते हैं, तो इस तरीके से। सही, लेकिन शुरू में चॉइस होती है, और ये भी चॉइस होती है कि कौन सी को ऊपर माने कौन सी को नीचे, बात एक रहती है। सही है, इस तरीके से, क्यों, क्योंकि आने डायरेक्शन रेशो में वो काम की बात है कि मतलब सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, सिंपली ये उसमें उस चीज़ में ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है। सही है, फिर थर्ड वेरिएबल जैसे सी का कोफिशियंट 4 है, यहाँ पर 4 है, फिर फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट यहाँ पर उसका कोफिशियंट 1, 2, फिर सेकंड वापस से रिपीट होता है, फिर आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है आपने इस तरीके से। सही है, और वही जो पैटर्न चूज किया ना उन्हीं की वैल्यू इस तरीके से निकलेंगी, ABC यहाँ पर चेंज मत कर देना। सही है, तो यहीं पर जैसे तो डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर, तो देयरफॉर, ठीक है ना, तो सबसे पहले ए के डिवाइड में आएगी वैल्यू, ए के डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 into 2, 8 इस तरीके से। सही है, और 3 into 4, 12, लेकिन जब नीचे से ऊपर जाओ माइनस साइन आता है, यहाँ पर एक्चुअल में डिटरमिनेंट सोल्व होता है काम की बात, ये माइनस साइन फॉर्मूले वाला। सही है, इसी तरीके से बी के डिवाइड में मिल जाएंगी यहाँ से वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 2, 8 माइनस इस तरीके से फॉर्मूले वाला, और 4 into 1। सही है, और फिर सी डिवाइड बाई वही आपस में मल्टीप्लाई 3 into 1, फिर 2 into 2, लेकिन माइनस साइन फॉर्मूले वाला। लेकिन ये एक्चुअल में पूरा कंसेप्ट नहीं है 23-12 का, या फिर को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, एक्चुअल में ये किसी के समथिंग बराबर होता है, अगर पता हो तो, कोई भी जैसे आप वेरिएबल मान सकते हो इस चीज़ को। सही है, और यहाँ से हम डायरेक्टली लिख देते हैं, जैसे ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर जो डिवाइड में है, तो मतलब 8 - 12 - 4, लेकिन एक्चुअल में इन दो को कंपेयर किया जाता है, और फिर जैसे -4 into λ आएगी अगर एक्चुअल में पता हो तो, फिर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दो को कंपेयर कर दो तो 8 - 4, 4 into λ, और फिर सी की वैल्यू 3 - 4, -1 into λ इस तरीके से। लेकिन वही बात, डायरेक्शन रेशो सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इसलिए ये लेमडा अपने आप ख़त्म हो जाता है, लेकिन 23-12 का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है, तो इस तरीके से। सही है, तो बस अब इसके बाद काम बन चुका है, डायरेक्शन रेशो ABC की वैल्यू आ चुकी है, पुट अप कर देना, तो मतलब डायरेक्टली आंसर लिख दो, तो मतलब एक बार वेक्टर भी लिखे नहीं हमने जैसे, और साथ के साथ कार्टेशियन भी, तो एक बार वेक्टर इक्वेशन लिख दो आप, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, तो देखो वो तो फॉर्मूला था क्या, कि मतलब इस तरीके से R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर किसे बनता, जो लाइन पर पॉइंट है, और लाइन पर पॉइंट ये रहा, और पॉइंट से वेक्टर लिखने का तरीका कि ये तो नंबर है, इनकी अपने अपनों की i कैप j कैप, और सबसे पहले एज इट इज लिखे, फिर रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर देना i कैप j कैप k कैप के साथ, सभी को ऐड कर देना, लो पॉइंट से वेक्टर लिखने का आसान तरीका। सही है, इसके बाद फिर प्लस का साइन लैम्डा आता है,
ये लैम्डा है कि देखो वो पैरेलल वाली बात बताई थी, एक्चुअल में दो पैरेलल वेक्टर, तो वहाँ से लैम्डा निकल कर आता है। ये लैम्डा और ये लैम्डा बराबर नहीं है, काम की बात तो ये भी है। ये समथिंग किसी के बराबर होता है, मतलब इनका रेशो किसी भी कांस्टेंट के बराबर होता है, तो इस चीज़ को इक्वेट मत कर देना आप, तो इस तरीके से सही है। और लैम्डा इनटू फिर डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो भी तो एक पॉइंट था, डायरेक्शन रेशो के नाम थे कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, टिप ऑफ ए पॉइंट, सारी बातें बताई थी, या फिर कहो स्केलर कंपोनेंट। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर भी पॉइंट है, तो पॉइंट से वैक्टर मतलब लिखने का तरीका, ये नंबर है एज इट इज लिखो, सही है, और वही रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई कर दो आप, तो इस तरीके सभी को ऐड कर देना, लो ये आपका आंसर रहेगा, ये वेक्टर इक्वेशन। और साथ की साथ ठीक है ना, दूसरी कार्टेशियन इक्वेशन, सही है, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होता है कि x माइनस एक्स वन होता है, x वन मतलब पासिंग पॉइंट, तो पासिंग x पर पासिंग पॉइंट जैसे वन वन था ना, तो सिंपली जैसे x माइनस ये x वन है इस तरीके से, ठीक है। फिर y माइनस y वन वो भी वन है, z माइनस z वन अपनी अपनी पर डिफरेंस, इस तरीके से जो वैल्यू थी आपके पास, सही है, उनको माइनस करके लिख दो, और डिवाइड में डायरेक्शन रेशो आ जाएंगे, जो वैल्यू निकाल लिया आपने माइनस फोर फोर और लास्ट में माइनस वन है, तो इस तरीके जैसे यहाँ पर माइनस वन आया था, तो इस तरीके से केवल ये रिजल्ट रहेगा, सही है। और ये रिजल्ट एक्चुअल में इसी लैम्डा के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए, तो ये आपका रिजल्ट। लास्ट में हम ये लिखते नहीं इस तरीके, क्योंकि लास्ट में हम वेरिएबल नहीं लिखते इस वजह से, सही है। तो इस तरीके से मतलब सारी चीज़ें डिटेल में बताई थी, हर चीज़ का मतलब, मतलब एक एक लाइन के हिसाब से न्यूमेरिकल सोचा करो। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या चेक करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन, तभी दिमाग में वो दो बातें आ चुकी होंगी। फिर एक परपेंडिकुलर वाली लाइन की डायरेक्शन रेशो मल्टीप्लाई जीरो, आगे ये बच्चों वाली चीज़ है, तो इस तरीके से सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।